हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर साइंस टीचर फ्रॉम विल्किंस नेशनल स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट साइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ। सी द लेसन नंबर 11, अ लुक इनसाइड द बॉडी। कैन यू टेल चिल्ड्रन, लुक एट दिस पिक्चर। दिस बॉय टेकिंग अ डीप ब्रीथ। व्हाट हैपेंड देन? क्या होता है जब अगर हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है? यस, ही इज चेस्ट एक्सपांडेड। सी द वन क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डज द चेस्ट एक्सपांड व्हेन डू ब्रीद इन? क्यों होता है ऐसा एक्सपांड? यस चिल्ड्रन, व्हेन वी ब्रीद इन द इन आउटसाइड एयर एंटर्स द बॉडी एंड हैंस द चेस्ट स्वेल्स। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तब क्या होता है, जो बाहर का जो एयर है क्या हो जाता है, एंटर्स द बॉडी। That's why that time our chest swells. Now see the next picture here. In this picture, the doctor puts her fingers on your wrist to feel your pulse. You too can feel your pulse. What causes this throbbing? At the wrist, there is a blood vessels. जहाँ पे हमारा रिस्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। दैट फ्लोस वेरी क्लोज टू द स्किन। इफ यू प्लेस अवर फिंगर्स देयर वी कैन फील द हार्ट बीट्स। दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स। इसे क्या कहते हैं, जब हमारे जो रिस्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स, और वो क्या होते हैं, क्लोज स्किन के वेरी क्लोज होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे अगर हम लोग अगर हाथ लगाएंगे, रखेंगे, फिंगर्स रखेंगे तो क्या होता है, फील होता है, हार्ट बीट्स का फील वहाँ पे होता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इंटरनल ऑर्गन्स। व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड दोज विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें, और वो हमें दिखते नहीं है बाहर से, राइट? सो उन ऑर्गन्स को हम लोग कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। Now next one is, can you recall which parts of our body do we use for the following? First one is seeing, walking, hearing and writing. हम इन सब को के लिए कौन से body parts का use करते हैं? So first one is seeing, right? For seeing, what body part we are using? Yes students, yes, our eyes. For walking, legs. And for hearing, ears, and for writing, hands. Now second question is here, what is meant by external organs? Give some examples. तो अभी external organs मतलब क्या है? So what is some examples, right? Organs that are on the outside of the body are called external organs. जो हमारे body के ऊपर जो organs दिखते हैं हमें, उन्हें कहेंगे हम लोग external organs. जो inside है उन्हें internal, जो outside है दिखते हैं उन्हें कहेंगे external organs. For example, legs, eyes, ears, arms, etc. Next question is, which parts of the body are called sensory organs? Why are they called so? हाँ, ये जो क्वेश्चन है सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में है, हम लोगों ने ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, राइट? देन हियर, यस, सो आईज, वी हैव फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, विच आर दे? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन्स। वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स बाय दीज ऑर्गन्स, सो दे आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। इन ऑर्गन से हमें क्या मिलता है, एक सेंस मिल जाता है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, कैसा है, वो हमें किससे पता चलता है, ये फाइव सेंसरी ऑर्गन्स के बारे से ही हमें पता चल जाता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। नाउ आई विल रीड दिस पैसेज, अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। We use our leg to walk, hence our legs are organ for walking. We use our ears for hearing, hence our ears are organ for hearing. हम लोग जो अपने leg है किसके लिए use करते हैं, walk करने के लिए, इसलिए leg क्या है, हमारे एक organ है जो walking के लिए organ है. Hearing for hearing के लिए ears है, and then for hear के लिए earrings, then
और देखने के लिए आईज, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ईयर, नोज, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हेंस दे आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. दे कैन बी इजीली सीन. Organs that make us aware of the situation around us are called sensory organs. Eyes, ear, nose, tongue and skin are our sensory organs. ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरा explain किया है इस paragraph को. Okay students. Now students, our lesson name is a look inside the body, right? So what we are going to study here? Yes, internal organs. So here many functions are going inside our body. Blood circulation is with the help of blood vessels and heart, right? हमारे जो body के अंदर है बहुत सारे functions होते रहते हैं. Blood circulation with the help of the blood vessels and heart. हमारे blood circulation कहाँ से होता है? Heart से, right? Through blood vessel. And the air we breathe is carried to all parts of the body through this blood only. इसी blood की वजह से हमारी जो पूरी body में क्या जाता है, air breathing होता है, मतलब air जाता है, blood circulation होता है, right? Then the next one is our digestion. इसके बाद क्या होता है? Digestion process. The food we are eating, what happens inside? क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं वो अंदर जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे स्टमक में? यस, डाइजेशन इज गोइंग देयर. वहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन का फंक्शन होता है. सो दीज आर द फंक्शंस कैरीड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. जैसे ब्लड का फ्लो कौन करता है? हार्ट करता है थ्रू ब्लड वेसल से. वैसे ही हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ से जाता है? ऑसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है, राइट? स्टमक के वहाँ से स्टमक में जाने के बाद क्या होता है? वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. और ये सब पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स का ये जो फंक्शन है, और इसी फंक्शन को जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सब मिलके वहाँ पे होता है स्टमक के अंदर. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स. यहाँ पे जो हमारी जो अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके लिए भी एक स्पेशल प्लेस है, राइट? सो कैन यू टेल योर्स टू पिक्चर्स आर देयर. सम बिस्किट्स वर पुट इन अ ग्लास जार. द जार वॉज देन शेकन एंड टर्न ओवर. वॉट हैपन्स टू द बिस्किट्स? यहाँ पे फर्स्ट ही द फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए. फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे क्या किया, जार में बहुत सारे बिस्किट्स डाले हैं और उसको क्या किया, शेक करके उसको ओवर किया है, टर्न किया है. तो वहाँ पे उस टाइम पे उस बिस्किट का क्या हो जाएगा वो आपको बताना है. ओके, अ पैक ऑफ बिस्किट वॉज शेकन इन द सेम वे. वॉट हैपन्स टू द बिस्किट? नेक्स्ट पिक्चर, सी द नेक्स्ट पिक्चर. यहाँ पे पैक ऑफ बिस्किट है, इसको भी शेक करके उसको भी टर्न किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बिस्किट्स इन द जार कुड ब्रेक इन टू पीसेस बट नॉट द वंस इन द पैक. वाई? यहाँ पे जो जार में जो बिस्किट्स था वो क्या हो गए? ब्रेक हो गए, बट जो पैकेट में था वो एक भी ब्रेक नहीं हुए है. वॉट इज द रीजन? So now I will explain. Now listen, in this picture we can see organ, the what are that? Mouth, okay, esophagus and stomach. So first we will put into our mouth, then what will happen?
दैट फूड वी हैव टू टेस्ट एंड च्यू इट देन लेटर एट विल बिकम लाइक अ बॉल देन इन अवर माउथ वॉट इज देयर इन अवर माउथ देयर इज अ सेलिवा दैट सेलिवा ऑल्सो मिक्सिस विद द फूड एज अ रिजल्ट फूड फ्रॉम अ मॉइस्ट बॉल देन इट इज ईजी टू स्वेलो दिस सॉफ्ट बॉल देन दैट फूड Passing through this throat into the esophagus, it is a flexible wall. Then the food will flow through that esophagus and it comes to the stomach. So this tube-like part that carries the swallowed food from the throat into the stomach. So this tube is called esophagus, or we can say the other name, it is gullet. It is situated in the thoracic cavity. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले मुंह में डालते हैं, माउथ में डालते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो टीथ है, टीथ की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस खाने को हम लोग चबा चबा के उसको बॉल्स सॉफ्ट बना देते हैं. टंग जो है हमारे टेस्ट बताता है, राइट. माउथ में डालने के बाद, मुंह में डालने के बाद, वहाँ पे मुंह में क्या होता है, हमारी एक सलाइवा होती है, उससे क्या होता है, उस जो खाना जो है मॉइस्ट हो के बॉल्स बन के हमारे थ्रोट के थ्रू जो खाना है कहाँ से निकलता है, हमारा जो एसोफोगस होता है वहाँ से जाके हमारा एसोफोगस एक फ्लेक्सिबल होता है, वो जो खाना जाके हमारे लास्ट में कहाँ पे हो जाता है, स्टमक के अंदर. इस जो प्रोसेस है, जो खाना जो जाता है मुंह से लेके स्टमक तक का जो बीच का जो प्रोसेस है, उस पाइप को कहते हैं एसोफोगस और गलट, एंड इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी. See the picture here, mouth, then this one is esophagus and this one is stomach. Okay, so I will read the paragraph. We use our mouth to eat our food. The tongue tells us the taste of the food. We chew food with our teeth. As we chew it, our saliva mixes with the food. As a result, the food forms a moist ball. We can easily swallow this ball. This food passes through the throat and eventually enters the stomach. The organs that bring about the digestion of food are in the abdominal cavity. That is an organ called the stomach, which is used to store for a short while the food we have eaten. There is a tube-like part that carries the swallowed food from the throat into the stomach. This part is called the esophagus. That the wall of the esophagus is flexible. This makes it possible to carry the food from the throat to the stomach easily. The esophagus is also called the gullet. It is situated in the thoracic cavity. I hope you all of you understood about the esophagus. Yes, students? Now see that, do you know? The journey of food in our body begins in the mouth. The internal organs in the abdomen help to digest it. The undigested, unwanted part is passed out through the anus in the form of feces. That is where the journey ends. हमारे journey of food कैसे होता है? First mouth, then esophagus, then thoracic cavity, stomach, that means in our abdominal cavity, then throughout the through anus, unwanted, useless substances, and then digestion of food. One more time, I will repeat this same, the journey of food. First, the journey of food in our body begins with the mouth, start from our mouth. Then, the internal organs in the abdomen help to digest. Abdomen mein kya kya hota hai, wahan pe digest hota hai. The undigested, unwanted part is passed out through the anus in the form of feces. That is where the journey ends, okay? So mouth, then esophagus, thoracic cavity, stomach and digestion of food, then unwanted substances and through anus se wo unwanted jo hai wahan se nikalta hai. Food travels through a pipe like pathway from the mouth to the anus. It is called the alimentary canal. It is about 9 meters long. It is made up of a number of internal organs. The esophagus is a part of alimentary canal. जो alimentary का जो canal का जो length क्या होती है, about 9 meters होती है. और alimentary canal जो है ये कैसे बना है, different organ से बना हुआ है. Next topic is the heart. See the picture of a heart.
सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन, हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. हार्ट क्या है? हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है. इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ थोरसिक कैविटी. थोरसिक कैविटी यहाँ पे चेस्ट के पास, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन अवर फिस्ट. फिस्ट मीन्स जो हाथ की जो मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है हमारी जो हार्ट है. द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर फ्लेक्सिबल. हार्ट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी कंटिन्यूसली. हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड फ्लो करना. ब्लड पूरा कंटिन्यूसली क्या करता है? हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता ही रहता है. द एयर दैट वी ब्रीद इन इन एंड द फूड दैट इज डाइजेस्टेड बोथ आर कैरीड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी बाय द फ्लोइंग ब्लड. दिस इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू हार्ट. जो हार्ट का, हार्ट की वजह से क्या होता है, हमारे जो एयर है पूरी बॉडी में चला जाता है, हमारे जो ब्लड है ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अवर हार्ट. दीज एक्शंस आर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन. ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन द ब्लड इज़ फोर्स आउट इन टू द ब्लड वेसल्स. जब कॉन्ट्रेक्शन में होता है तब ब्लड को क्या होता है, ज़्यादा फोर्स मिलता है और वो ब्लड वेसल से ज़्यादा फोर्स मिल जाता है. ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इट फ्लोस बैक टू द हार्ट. जब रिलैक्स होता है तब क्या होता है, वो फिर से वो हार्ट की तरफ बैक हो जाता है. जब फोर्स आता है तो हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में आ जाता है, और जो रिलैक्सेशन में क्या होता है, रिटर्न बैक टू द हार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल रीड दिस पैरा. द हार्ट देयर इज़ अ ब्लड इन अवर बॉडी. वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन. जब हम लोग ब्रीथ इन करते तो क्या करते हैं, एयर जो है अंदर लेते हैं. अवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो हमारी जो ब्लड है क्या करता है, ब्लड कैरीज इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी के अंदर हमारे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है. द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड. इट इज़ अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी. फॉर दीज पर्पजेज इट इज़ नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. इट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग. द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरसिक कैविटी. अ लिटिल टू इट्स लेफ्ट. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन वंस फिस्ट. द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल. ओके, दिस इज द हार्ट एंड द लोकेशन ऑफ द हार्ट. जो हार्ट कहाँ पे रहता है, दिस पोजिशन. Now try this. One activity is your. Take a bottle made from flexible plastic and then take a spent ball, ball pen refill. आपको क्या लेना, एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बॉटल लेना है. सी द पिक्चर हियर एंड द रिफिल, जो बॉल पेन का रिफिल होता है वो लेना है. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लीड ऑफ द बॉटल. द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल. जो आपकी जो बॉटल है उसको लीड लगा के लीड के अंदर से आपको क्या डालना है, रिफिल जो है वो डालना है होल निकाल के. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. फिट द लीड विथ द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल. आपको क्या करना है, उस बॉटल में पूरे पानी भरना है और वो जो लीड है साथ में जो रिफिल डाला है उसके साथ उसको टाइटली बंद करना है. मेक श्योर दैट द मोस्ट ऑफ द रिफिल इनसाइड द बॉटल एंड ओनली द शॉर्ट टिप प्रोजेक्ट आउटसाइड. इट विल मेक इट ईजियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट. आपको क्या ध्यान देखना है इसमें, कि जो आप लोग लीड अंदर डालते हो बॉल पेन का रिफिल जो डालते हो अंदर, ज़्यादा पार्ट क्या है पानी के अंदर होना चाहिए और बाहर थोड़ा सा ही होना चाहिए. नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन बोथ हैंड्स. प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज. डू दिस 3 or 4 times. आपको क्या करना है, इसके बाद आपके जो दोनों हाथों से पकड़ना है, एकदम प्रेशर प्रेस द बॉटल. आपको फोर्स लगा के उसको प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद देखिए क्या होता है. What do you see? When the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing out. क्या हो जाता है, हम लोग जब उसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाता है, उसको जाने के लिए कहाँ से उसको रास्ता मिलता है, वहाँ जो रिफिल जो आप लोगों ने डाला है उसके अंदर होल है राइट, उससे वो होल से वो जो रिफिल के बाहर से वो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा. जब आप लोग उसको प्रेस करना छोड़ दोगे तो क्या होगा, रिटर्न वो बैक नीचे ही रहेगा. सेम टाइप दैट हार्ट वर्क्स राइट. कॉन्ट्रेक्शन, दिस इज द कॉल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा और अंदर ही रहेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, अपना फोर्स अंदर ही रहेगा. जब आप उसको प्रेस करोगे तब क्या हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, वो जो पानी है उस होल के थ्रू वो बाहर निकलेगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. वाई डज दिस टेल यू, इफ प्रेशर इज अप्लाई टू अ लिक्विड इन अ क्लोज स्पेस, अ लिक्विड विल गश फ्रॉम wherever it finds a way out. Okay, students? Now, try this. Place your palm a little to the left of the center of your chest. You can feel your own heartbeat. आप लोग क्या करना, आप लोगों को अपने जो palm है left side of the आपका heart chest जो है वहाँ पर रखना है और अपने heart beat को feel करना है. See the picture here. The heart contracts and relaxes alternatively without stopping. When it contracts, the blood do you know, when we are sleeping quietly, the pulse becomes slower. When we are running, the pulse becomes faster. जब हम लोग शांत होते हैं या सोते हैं तब हमारी जो पल्स क्या होता है, बहुत स्लो होती है. अगर हम लोग वही कुछ एक्टिविटी मूवमेंट्स कर रहे हैं जैसे कि रनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो पल्स है वो फास्ट होती है. यूज़ योर ब्रेन पावर. व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट. दिस इज यूज योर ब्रेन एंड गिव द आंसर. नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स. सी द लंग्स हियर. When we breathe in, we take air in through the nose. The internal organs through which this air is supplied to the body are called lungs. When we breathe in, we take air in through the nose. हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते वक्त नोज से क्या करते हैं, जो एयर है बाहर का हम लोग अंदर लेते हैं, राइट. द इंटरनल ऑर्गन थ्रू विच एयर दिस एयर इज सप्लाई टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स. और ये जो पूरी बॉडी को कौन एयर सप्लाई करता है, लंग्स. लंग्स का फंक्शन यही है. We have two lungs. हमें कितने lungs है, two. They are situated in the thoracic cavity. और वो कहाँ पे रहते हैं, thoracic cavity में. One on the right and the other on the left. One right side and other is left side. The heart is between the lungs a little to the left. जो heart है इसके बीच में रहता है, little to the left side में रहता है. There the left lung has a slight depression. The right lung is slightly bigger than the left lung. इसीलिए क्या होता है, पे द लेफ्ट लंग की साइड होता है इसीलिए वो क्या हो जाए, थोड़ी डिप्रेशन में होता है. एंड द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर. वो राइट जो लंग है वो क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है. अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रीद इन टू द लंग्स, इट इज कॉल्ड द विंड पाइप. द विंड पाइप सेपरेट्स इन टू टू ब्रांचेस, ईच ब्रांच इज कॉल्ड अ ब्रोंकस ब्रांचेस. वेन वी ब्रीद इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटल. That's why our chest swells up when we breathe in. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, थोड़ा एक्सपांड होता है. The function of the heart and the lungs depend on each other. Both these internal organs are very important. They are situated in the thoracic cavity, inside a cage made of bones called the rib cage. That's why they are safe and secure. हमारे जो हार्ट और लंग्स से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरसिक कैविटी में. और ये कहाँ पे है, मतलब बोन के जो रिबकेज है उसके अंदर ये क्या है, सेफ एंड सिक्योर है. नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रेन. द ब्रेन, सी द पिक्चर ऑफ द ब्रेन हियर. द ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रैनियल कैविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. ये जो ब्रेन है कहाँ पे है, क्रैनियल कैविटी में. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू. इट क्या कर, इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग करना. इट इज इन द ब्रेन दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इमोशन सच एज एंगर जॉय सॉरो एक्सेट्रा. जो हमारी इमोशंस होती है कहाँ से आती है, ब्रेन के थ्रू. ब्रेन के थ्रू आता है. दिस इज अ फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ अ बॉडी ब्रेन. द डूइंग द मेन फंक्शन द ब्रेन करता है. जो मेन हमारे फंक्शन है बॉडी की ये कौन करता है, ब्रेन. द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अवर सेंसरी ऑर्गन्स इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन. इंजुरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिजेबल फॉर लाइफ. अगर हमारी ब्रेन में अगर कुछ भी इंजोरी होता है तो हमारी लाइफ के साथ वो एक डिजेबल होता है. इट कैन इवन कॉज डेथ. और हम की
हमारी डेथ भी हो सकती है. हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड. दैट इज द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग फॉर्म्ड बाय द स्कल अराउंड इट. इसीलिए जो हमारी जो ब्रेन है उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए. और प्रोटेक्ट के लिए, ब्रेन का प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, शेल है जो ऊपर से जो दिखता है वो क्या है, शेल और केसिंग फॉर्म्ड बाय द स्कल, उसे कहते हैं शेल और अ स्कल. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्रेन, द ब्रेन इन द क्रैनियल कैविटी. नेक्स्ट, डू यू नो व्हेन वी लर्न अ पोयम इट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन, दैट्स व्हाई वी कैन रिमेंबर इट. दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी. हमारी जो हम लोग पोएम रीड करते हैं तब क्या होता है, वो हमारा बाहेट हो जाता है, हमें रिमेंबर हो जाती है. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन. ये ब्रेन का फंक्शन है हम मेमोरी को रखना. द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन साइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन स्मूथली. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस वर्क ऑर्गन्स. डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप. हम लोगों ने जो आज ये लेसन जो पढ़ा है इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का, बहुत ही इंटरेस्ट लेसन था. जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे, बड़े क्लास में जाते रहोगे, तो आप लोगों को और भी आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और भी आपको लर्न आपको नॉलेज आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोगों ने लेसन से क्या सीखे, व्हाट वी हैव लर्नड. द न्यूमेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट गो ऑन इनसाइड अवर बॉडी आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. These organs are inside our body. They cannot be seen from the outside. They are called internal organs. The body is structured in such a way that the internal organs remain safe within the cavities inside the head and the torso. The esophagus carries the swallowed food from the throat to the stomach. It is situated in the thoracic cavity. The heart keeps the blood flowing through the blood vessels spread throughout the body. The heart is continuously contracting and relaxing. The contraction of the heart pushes the blood from the heart into the blood vessels. The lungs are the organs through which the air we breathe in is supplied to the whole body. The right lung is a little bigger than the left lung. The heart and the lungs are held safely in the rib cage in the thoracic cavity. Our brain is a very important internal organ. It has a safe place inside the skull, controlling movements, becoming aware of the emotions, and interesting the information collected by the sensory organs are the function of the brain. That means हम लोगों ने आज क्या क्या लर्न किया, और किसके बारे में, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ब्रेन हो गया, एसोफोगस हो गया, स्टमक, देन हार्ट, लंग्स, इन सब के बारे में आज हम लोगों ने इस लेसन के थ्रू लर्न किया है. लर्न दिस लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन इज द स्टूडेंट. सो थैंक यू.